को नहीं कहते, कोई बात मुश्किल से बात होती है। तो वो जो मुश्किल से होने वाली बात है, वो तो जब कहीं 100 बातें हो जाएंगी तब एक कहावत बनती है, 100 बात की एक बात। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। और आज के गीतकार है आनंद बख्शी। उन्होंने अपने कैरियर में 4000 से अधिक गीत और 638 फिल्मों के लिए गीतकार के रूप में काम किया। वीर ने कहा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना उससे बुरा न कोई। आप सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में, जिसे आप विश्रांति दर्शन के मंच पर देख रहे हैं। चैनल का उद्देश्य विज्ञान, विश्व शांति और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण एवं संकलन करना है। विश्व शांति दर्शन चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डाकराज। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, यानी ढूंढते हैं उस अध्यात्म को जो आज के गीत के गर्भ में छिपा है। चर्चा में भाग लेंगे डॉक्टर सुनील देवधर, जिनकी पुस्तक पर यह प्रोग्राम आधारित है, और डॉक्टर डॉली आउटी। पिछले हफ्ते हमने तीसरी कसम के गीत सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है उसके अध्यात्म पर चर्चा की, गीतकार थे शैलेंद्र। तो आज के गीतकार का नाम बताने से पहले थोड़ा उनकी जानकारी ले लें। उन्हें जनता के लेखक की उपाधि मिली। उन्हें अपने गीतों की अपार लोकप्रियता का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें एक सुदूर गाँव में, जी हाँ, एक भिखारी उनका लिखा हुआ गीत गाते हुए मिला। उनका कहना था कि एन आई कोट हिम, जब मैंने सुना कि मेरा गाना एक भिखारी द्वारा गाया जा रहा है जिसके पास एक रेडियो भी नहीं है, एक गांव में जहां बिजली भी नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गीत अब प्रसिद्ध हो गए हैं। वो भिखारी मुझे नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे गाने को जानता था। लीजिए, तो मैं अब आज के गीतकार का नाम बता ही देता हूँ, आनंद बख्शी। जी हाँ, जिनका नाता अविभाजित भारत में रावलपिंडी के एक संपन्न परिवार से था, मगर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक लंबे संघर्ष का सामना किया। गीत लेखन का पहला ब्रेक उन्हें 1958 में बनी फिल्म भला आदमी, जो भगवान दादा ने बनाई थी, उस वक्त बड़े पॉपुलर हीरो थे, उसमें मिला। इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे थे। सही मायने में उन्हें पहली सफलता मिली 1965 में बनी फिल्म हिमालय की गोद से, और फिर उसी दौरान शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म आई जब जब फूल खिले, और सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन के साथ आनंद बख्शी जी ने फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा दिए। आनंद बख्शी अपने गीतों में सरल भाषा रखने में विश्वास रखते थे, ये उनके द्वारा लिखे गए गीतों में परिलक्षित होता था। जी हाँ, दिखाई देता था, जैसे अच्छा तो हम चलते हैं फिल्म आन मिलो सजना, दो लफ्जों की है दिल की कहानी फिल्म द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना फिल्म अमर प्रेम। आज इसी गीत के अध्यात्म पर चर्चा करते और देखते हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं हम बॉलीवुड के उन गीतों में जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। सुनील जी, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अमर प्रेम जी। वैसे तो उसके सारे ही गाने बड़े ही पॉपुलर हैं, लेकिन उन सभी गानों में से मेरा एक फेवरेट है, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, लेकिन इसमें छुपा हुआ कहीं ना कहीं गहरा एक आध्यात्म भी है, उसी आध्यात्म से जुड़ेंगे और इसी गीत पर आज चर्चा करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतने जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतने जाए देना कुछ तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो सुनील जी ये सत्य ही है ना आजकल हम देखिए या शायद पहले से ये चला आ रहा हो कि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे मुझे ये खाना है मुझे ये नहीं खाना है मुझे ऐसा पहनना है मुझे ऐसा नहीं पहनना है मुझे ये करना है मुझे नहीं करना है लेकिन मैं हर चीज़ देखती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे कहीं ना कहीं मैं ये भूल जाती हूँ कि या मेरे जैसे और भी कई युवक होंगे या और भी लोग होंगे जो ये भूल जाते होंगे कि हमें अपनी खुशी के लिए जीना है सबसे पहले इस बारे में आपके क्या राय है जी आपने कहा वो ठीक है लेकिन ये जो एक हमें अपनी खुशी के लिए जीना है उस हम में समाज हो नहीं तो इट्स माय लाइफ वाली जो बात है वो तो नहीं होनी चाहिए ये तो मेरी ज़िंदगी है मैं चाहे जैसा जीऊँ तो वो बात नहीं है आनंद बख्शी का है ये गीत और आनंद बख्शी एक ऐसे गीतकार जो वर्तमान जो पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड हाँ और रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ और वो 1947 में ही भारत आए उस समय वो वहाँ थे और 21 जुलाई मेरे जो जन्म की तारीख है वही उनके जन्म की तारीख है 21 जुलाई को वो पैदा हुए थे तो आनंद बख्शी का नाम जिस तरह से आपने इस गीत की चर्चा की है कि इसमें एक आध्यात्मिकता है क्या तो आनंद बख्शी का नाम उस तरह से एक अदब की दुनिया में नहीं लिया जाता जैसे नीरज का लिया जाता है या जैसे साहिर का लिया जाता है बावजूद उसके आनंद बख्शी ने कुछ ऐसे गीत दिए हैं कि आप उनको किसी भी तरह से कम नहीं आंक सकते अब जैसे यही गीत है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना तो कहीं ना कहीं एक नयापन भी है आप समय को बर्बाद मत करो लोगों की बातों में आकर सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं ना क्योंकि बातें बहुत करते हैं लोग लेकिन वो कहते हैं ना कि बात हर बात को नहीं कहते बात हर बात को नहीं कहते कोई बात मुश्किल से बात होती है तो वो जो मुश्किल से होने वाली बात है वो तो जब कहीं 100 बातें हो जाएंगी तब एक कहावत बनती है 100 बात की एक बात तो वो एक बात महत्वपूर्ण है बातें तो हजार होती हैं और इसीलिए आनंद बख्शी ने इस गीत में जिस तरह की गहराई दी है बिल्कुल सादे शब्दों में कुछ रीत जगत की ऐसी है सीता भी यहाँ बदनाम हुई जी। तो हम अपने अहंकार को जीते रहते हैं तू कौन है क्या तो हम अपने अहंकार को जीते रहते हैं जबकि वो यही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो यहाँ तो सीता के बारे में भी चर्चा की गई तो ये जो बात है और इसीलिए अपना समय व्यर्थ न गंवाते हुए आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें ये गीतकार कहना चाहते हैं सो कहीं ना कहीं बीइंग ट्रू टू योर ओन सेल्फ की बात आ रही है जी। जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको आपके कार्य सही लग रहे हैं तो आपको लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो सुनते हैं आगे इसी गाने को हमको जो
ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो सुनील जी, कहीं ना कहीं आगे की इन पंक्तियों में आनंद बख्शी जी हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, हम कभी भी खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि मुझसे भी कहीं कुछ गलत हो सकता है, मुझसे कहीं कुछ चूक हो सकती है। तो क्या हमें एक सेल्फ एनालाइजेशन की जरूरत नहीं है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी दिक्कत मनुष्य स्वभाव के साथ में यही है कि वो आत्म परीक्षण आत्म विश्लेषण नहीं करता, और इसीलिए वो कबीर ने कहा ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो जब आप ईमानदारी से अपनी ओर देखते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ हम में भी बहुत सी बुराइयाँ हैं, लेकिन हम देख लें, अगर हम इसको इस तरह से प्रैक्टिकल करें कि एक उंगली कर दीजिए तो तीन उंगलियाँ आपकी तरफ आ जाती हैं। तो बात यही आनंद बख्शी ने कहनी चाहिए और बहुत सादे शब्दों में कहा है कि जब वो कह रहे हैं कि हम पर ताने देते हैं कि हम डूबे हैं इन रंगरेलियों में, तो साहिर लुधियान भी कहता है ना वो कि यहाँ पीर भी आ चुके हैं जमा भी, तनुमंद बेटे और अब्बा मियाँ भी। तो क्या संकेत है कि वो उनकी प्यासा की नज़्म है वो कि सना खाने तकदी से मशरूक कहाँ हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहाँ हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहाँ हैं का मतलब उसमें जो आगे की पंक्तियाँ आती हैं वो इसी बात को लेकर है कि जहाँ एक स्त्री को लेकर, जहाँ एक महिला को लेकर बात कही गई है, और जब रंगरेलियाँ मनाने के लिए लोग जाते हैं तब वो ताना दे रहे हैं, और तब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनुमंद बेटे और अब्बा मियाँ भी। ये बेटी भी है, ये बीवी भी। तो आप चीज़ों को अगर आप इस तरह से जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं से आप ये देखिए कि हर चीज़ उस सत्य पर आकर खड़ी हो जाती है कि ये दुनिया कैसी है और इस दुनिया का चलन कैसा है, और इसलिए इस दुनिया के चलन से अगर बच के निकलना है तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, आप अपने समय को मत खोइए ये लोगों की तरफ कान करके कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहना व्यक्ति का स्वभाव है। कब से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं? एक व्यक्ति ने कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूँ कि तुमको अपने घर में रख लूँ, केवल इस एक बात की वजह से सीता को फिर से उन्हें त्यागना पड़ा, लेकिन वो एक राजधर्म था, वो एक अलग विषय है, और उस पर अगर बात करेंगे तो क्योंकि राम का जो जीवन है ना, वो तुलसी ये कहते हैं कि राम अतर के बुद्धि मन वाणी, राम तर्क से बुद्धि से और वाणी से परे है, उनके प्रत्येक आचरण का एक उत्तर है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार असुनहु सयानी। वो पार्वती से कह रहे हैं शंकर जी, क्योंकि उन्होंने राम की कथा सुनाई है। तो बातें हजार होती हैं, हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, बात से बात कितनी बात निकलेगी। तो यही आनंद बख्शी ने कहना चाहा है कि बात होती रहेगी, लेकिन सत्य ये है कि आप उन बातों को छोड़कर, क्योंकि बहुत सी बातों में 99% बातें इस तरह की होती हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो होती रहती हैं। तो अगर उन 99% बातों को या उन 99% विचारों को हम छोड़कर केवल उस विचार की तरफ आएं
जो विचार हमारे लिए जरूरी है तो शायद हमारे जीवन को वो बेहतर बनाएगा। बहुत खूब कहा है सुनील जी। इन शॉर्ट आई विल जस्ट सम अप दिस विद, बिफोर जजिंग अदर्स वी शुड जज आवर ओन एक्शंस। थैंक यू सो मच सुनील जी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी। उन्होंने अपने कैरियर में 4000 से अधिक गीत और 638 फिल्मों के लिए गीतकार के रूप में काम किया। उन्हें 1972 में निर्मित फिल्म मोम की गुड़िया में गायक के रूप में पहला ब्रेक मिला। वो एक युगल गीत था, बागों में बहार आई, होठों पर पुकार आई, जो उन्होंने लता जी के साथ गाया। उस फिल्म में उन्होंने एक सोलो गीत भी गाया था, मैं ढूंढ रहा था सपनों में। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली गीतकार आनंद बख्शी के शब्द लाखों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक बार राज खोसला ने फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के शीर्षक के टाइटल सॉन्ग की पहली पंक्ति की धुन बनाई और अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आनंद बख्शी से मिलने उनके घर आए। आनंद बख्शी जी उस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके पैर में पलस्तर चढ़ा हुआ। राज खोसला ने उन्हें फिल्म की कहानी का सार दिया। मिनटों के भीतर आनंद बख्शी ने मुखड़े के लिए दूसरी पंक्ति लिख दी, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं पहली पंक्ति थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, यानी मैं तुम्हारे पति की कोई नहीं हूँ। खोसला भावुक हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बख्शी ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ सरल शब्दों के साथ एक सेकंड में उनकी पूरी फिल्म को समेट दिया। बख्शी के पसंदीदा उद्धरणों में से एक था, मेरा दिमाग कहानी सुनने के बाद ही काम करता है। इस सिद्धांत में बख्शी का अटूट विश्वास था, यही उनके गीतों को शाश्वत बनाता है। दिवंगत कवि गीतकार नीरज ने एक बार कहा था कि गीतकार हमेशा कवियों से बड़े होते हैं। उन्हें कहानी, स्थिति, पात्रों, फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों की प्राथमिकताओं के साथ साथ रुझानों को ध्यान में रखते हुए अपना कौशल दिखाना होता है, और इस सब में आनंद बख्शी के समान कोई नहीं था। जी हाँ, कोई नहीं था। आनंद बख्शी को कुल 40 बार, जी हाँ 40 टाइम सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 गीतों के लिए जीत भी हासिल हुई। और फिर 45 साल और 4000 गानों के लंबे कैरियर के बाद गीतकार आनंद बख्शी का लंबी बीमारी के कारण 30 मार्च 2002 को मुंबई में निधन हो गया था। वो समय 72 वर्ष के थे। तो गीतों के बोल की आज की इस प्रस्तुति को यहीं देते हैं विराम। अगली बार फिर आपके सम्मुख होगा एक नया वीडियो एक नए गीतकार के साथ, और चर्चा करेंगे उस एक गीत पर जिसमें छिपा होगा अध्यात्म। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। एक फिल्म आई थी देवानंद साहब के साथ जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, और उसी के एक गीत पर आज हम चर्चा करेंगे। फिल्मी गानों में बहुत से गानों को उनकी जो कहानी है उसके मुताबिक भी फिल्माया जाता है, उसके मुताबिक लिखा जाता है। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यही है वो सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गीतकारों की और उनके लिखे गए गीतों की। महाभारत के शांति पर्व में एक बात कही गई है, न गृहम गृह मृत्याहु गृहिणी गृह मृत्यु।